Hello students, in the previous lecture we introduced perimeter. Today again we will discuss the same content, that is perimeter, and we will solve some questions based on it. So students, let us see the question first. The first question is, a rectangular piece of land measures 0.7 km by 0.5 km. Each side is to be fenced with 4 रोज ऑफ वायर्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर नीडेड. आपसे क्वेश्चन कह रहा है, देयर इज अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, दिस इज रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड एंड इट्स लेंथ इज 0.7 किलोमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 0.5 किलोमीटर. ईच साइड इज टू फेंस विद 4 रोज ऑफ वायर्स. आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ईच साइड पे, मतलब हर एक साइड पे 4 टाइम नंबर ऑफ वायर्स फेंस किया गया है. ठीक है, तो 4 टाइम कब फेंस होगा? सिंपल सी बात है कि जब इसको वायर से 4 टाइम फेंस किया जाएगा. जब हम पूरे रेक्टेंगल को 4 टाइम फेंस करेंगे तो हर साइड पे 4 टाइम्स वायर फेंस हो जाएगा. ठीक है, अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर नीडेड, इसको 4 टाइम फेंस करने के लिए कितने लेंथ ऑफ वायर की जरूरत होगी. ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि 1 टाइम फेंस करने में कितना लेंथ ऑफ वायर लगेगा, क्योंकि जितना इसका पेरीमीटर है उतना ही लेंथ का वायर लगेगा. हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप वायर फेंस करना चाहते हैं तो यहां से स्टार्ट करोगे करना, यहां से, और ऐसे करते करते फिर उसी पॉइंट पे पहुंच जाओगे. ठीक है, तो अगर हमने फाइंड कर लिया कि एक बार फेंस करने में कितना वायर लगेगा, तो 4 टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है. फिर हमें पता है कि लेंथ कितनी है 0.7 और ब्रेथ कितनी है 0.5. ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 0.7 और 0.5 को ऐड कर दीजिए, 7 5 12 और यहां जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1.2. दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो ये क्या हो गया 2.4 किलोमीटर. दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस फील्ड. द क्वेश्चन इज गिवन दैट ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विथ 4 रोज, सो इट विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विथ 2.4 एंड द आंसर विल बी 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 8 1 9, 9.6 किलोमीटर. सो टोटल लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड वायर इज 9.6 किलोमीटर. ओके स्टूडेंट्स, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागॉन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड. एक रेगुलर पेंटागॉन है, सबसे पहले रेगुलर पेंटागॉन क्या होगा बेटा, उसकी जो 5 साइड्स होंगी और 5 साइड्स ईच साइड्स विल बी इक्वल. वी कंसीडर दैट दिस इज अ रेगुलर पेंटागॉन एंड इट्स ईच साइड्स आर इक्वल. ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि इट्स पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर, देन हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड. तो हम कैसे करेंगे, वी नो दैट वी विल राइट सोल्यूशन. गिवेन दैट पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागॉन दैट इज 100 सेंटीमीटर. ओके, अब पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागॉन क्या होगा, हम सारे साइड्स को ऐड कर लेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा, मतलब साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड 5 टाइम. तो हम राइट कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई विथ साइड इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और वी कैन राइट दैट साइड इक्वल टू 100 अपॉन, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 5 तो यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 0, मतलब 20 सेंटीमीटर. देयरफॉर साइड ऑफ द पेंटागॉन इज 20 सेंटीमीटर. क्लियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म आई स्क्वायर
एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड अ रेगुलर हेक्सागन। अगर हमें 30 सेंटीमीटर लेंथ वाले स्ट्रिंग से अगर स्क्वायर बनाना है तो उसकी ईच साइड क्या होगी, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है तो उसकी ईच साइड क्या होगी, और अगर रेगुलर हेक्सागन बनाना है तो उसकी ईच साइड क्या होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो 30 सेंटीमीटर दिया बेटा ये उसका पेरीमीटर होगा, ठीक है, क्योंकि 30 सेंटीमीटर स्ट्रिंग से ही ये स्क्वायर इक्विलैटरल ट्रायंगल और रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मेशन हुआ है। तो हमको पेरीमीटर दिया है और हमसे वन साइड पूछ रहा है, तो स्क्वायर के केस में फोर साइड्स होंगे, फोर इक्वल साइड्स, तो हम फोर से डिवाइड कर देंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में 30 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, और रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड्स इक्वल होंगी तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे राइट कर दिया 30 सेंटीमीटर, तो वो इसलिए क्योंकि जो ये स्क्वायर बना है वो 30 सेंटीमीटर वाले स्ट्रिंग से ही बना है, तो उसका जो पेरीमीटर होगा वो 30 सेंटीमीटर होगा, ओके। और पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, जिसमें फोर साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, फोर टाइम साइड हो जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब साइड कितना निकल जाएगा, 30/4, और 30/4 कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो तो आएगा 7.5 सेंटीमीटर, ओके। तो यही हमको साइड बतानी थी जो हमने फाइंड आउट कर लिया है। ऑप्शन बी देखिए, ये ऑप्शन ए हो गया। बी, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इट इज ऑल्सो गिवेन इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और इक्विलैटरल ट्रायंगल पता है ना आपको कि तीनों साइड क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल, साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो 3 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो साइड क्या हो जाएगा, 30/3 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो साइड इक्वल टू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक। ऑप्शन सी देखिए, रेगुलर हेक्सागन है, वी विल राइट द सेम, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। देखिए रेगुलर हेक्सागन क्या होगा बेटा, अ क्लोज फिगर मेड अप बाय लाइन सेगमेंट्स विथ 6 साइड्स, ईच साइड्स विल बी इक्वल 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब इसका पेरीमीटर होगा 6 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो साइड हो जाएगा 30/6 सेंटीमीटर, तो इसकी साइड हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ओके। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स थर्ड साइड। तो क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, देयर इज अ ट्रायंगल, टू साइड्स आर गिवन 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर एंड इट्स टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री इज गिवन, इट मींस पेरीमीटर इज गिवन, दैट इज 36 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड। आपसे यही पूछ रहा है कि थर्ड साइड की लेंथ क्या होगी, तो ठीक है इसको नेम दे देते हैं ए बी सी। वी विल राइट द सॉल्यूशन, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये हमको दिया है और कितना दिया है 36 सेंटीमीटर दिया है, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये कितना दिया है 36 सेंटीमीटर। हमको ए बी पता है 12 है, बी सी पता है 14 है, सी ए हमको फाइंड करना, तो वैसे राइट कर लीजिए और ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। 12 और 14 को ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 26 प्लस सी ए इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, तो सी ए इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 26, दैट इज 10 सेंटीमीटर। दस द थर्ड साइड इज 10 सेंटीमीटर, क्लियर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एंड द रेट ऑफ रूपीज 20 पर मीटर। यू हैव अ स्क्वायर पार्क, वन साइड इज 250 मीटर एंड यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अगर इस स्क्वायर की एक साइड 250 मीटर है और 1 मीटर को फेंस करने का कॉस्ट 20 रूपीज है, तो बताइए कि इस टोटल स्क्वायर को पूरा फेंस करने में कितना टोटल कॉस्ट
क्या लगेगा, तो फाइंड कैसे करोगे? पहले ये देख लो कि आपको कितना फेंसिंग करनी है, मतलब टोटल इसकी बाउंड्री फेंस करना है 250 मीटर यहाँ, 250 यहाँ और 250 यहाँ और 250 यहाँ गिवन है, तो चारों ऐड कर लो, तो 250 को 4 टाइम ऐड करोगे तो आएगा 1000, ठीक है? मतलब हमें 1000 मीटर को फेंस करना है, और आपको दिया कि 1 मीटर को फेंस करने का कॉस्ट 20 रुपीज है, तो 1000 मीटर को फेंस करने का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। वी विल राइट सॉल्यूशन। साइड ऑफ स्क्वायर इज गिवन, दिस इज 250 मीटर, इट्स स्क्वायर, सो ऑल साइड्स विल बी 250, ठीक है, सब मीटर में रहेगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई विद साइड इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विद 250 मीटर, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 1000 मीटर, ठीक है। वी नो दैट वी हैव गिवन इन क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर रुपीज 20, सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1000 मीटर इक्वल टू रुपीज 20 मल्टीप्लाई विद 1000, तो ये कितना हो जाएगा रुपीज 20000, क्लियर? अगर रेक्टेंगुलर पार्क दिया रहे स्क्वायर पार्क की जगह पे, तो आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल लेना, उसके बाद 1 मीटर का कॉस्ट दिया रहेगा और जो पेरीमीटर आएगा दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आर गिवन हियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चंस। चलिए एक बार क्वेश्चन को हम डिस्कस कर देते हैं। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बेटा, दो साइड उसमें इक्वल होती है और एक साइड डिफरेंट होती है। इफ वन ऑफ द टू साइड्स इज 18 सेंटीमीटर, जो दो इक्वल साइड्स है उसमें वन साइड कितनी है 18, अगर एक 18 है तो दूसरी भी 18 है क्योंकि दोनों इक्वल है आपस में। अब दो साइड आपको दिया है, पेरीमीटर भी दिया है, तो आप इसको फाइंड कर लो। कैसे करोगे, मैंने एक एग्जांपल बताया, उसी के अकॉर्डिंग कर लेना। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। आपको ध्यान दो, आपको पेरीमीटर नहीं निकालना, पेरीमीटर दिया है, आपको साइड निकालना है, ठीक है? तो आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन बताया है मैंने, उसके अकॉर्डिंग कर लेना आप लोग। फिर थर्ड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैंने बता दिया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। देखिए रेक्टेंगुलर पार्क है, तो इसमें पहले पेरीमीटर निकालना, जो पेरीमीटर आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करना, आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पता चल जाएगा, ठीक? और ये क्वेश्चन, स्वीटी रन्स अराउंड द स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75। एक स्क्वायर पार्क है, उसकी वन साइड कितनी है 75 मीटर है। स्वीटी इसके अराउंड रन करती है। बुलबुल रन्स अराउंड द रेक्टेंगुलर पार्क विद लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेथ 45 मीटर। हु कवर्स लेस डिस्टेंस, किसने कम डिस्टेंस कवर किया? तो ये कैसे पता करोगे, पहले निकाल दो किसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये निकालने के लिए आपको इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, निकाल लीजिएगा। इसका पेरीमीटर निकाल लीजिएगा तो इससे पता चल जाएगा बुलबुल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि किसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, द सिक्स क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर एंड वॉट एवर द क्वेश्चन इज सेइंग यू डू दैट। सो स्टूडेंट्स, After solving all the questions, you can check your answers from here. Thank you for watching and see you in the next video.